नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं अनिता चौहान आपकी हिंदी सब्जेक्ट की टीचर हूँ। तो हमने पहला कविता सुना था, हम अनेक किंतु एक। तो वो कविता हमने समझ ली थी, ठीक है। तो आज हम उसका वीडियो देखेंगे, ठीक है। आप सबको अच्छा लगेगा और समझने में भी सरलता होगी, ठीक है। तो आज हम उसका वीडियो देखेंगे, तो चलो हम देखते हैं वीडियो। बोलियां हजार हैं, टोलियां हजार हैं, कंठ जो अनेक हैं, राग भी अनेक हैं, किंतु गीत भाग एक, हम अनेक किंतु एक। हम अनेक किंतु एक है कई प्रदेश के, किंतु एक देश के। विविध रूप रंग हैं, भारत के संग हैं, स्वर अनेक बात एक, हम अनेक किंतु एक। सीख, हम सब एक हैं। तो हमें इस कविता में से क्या सीख मिलती है कि हम सब एक है, ठीक है। आपको समझ में आ गया, तो हम आगे बढ़े, तो हम आगे अपना अभ्यास करेंगे, लेकिन वो भी एक गेम के साथ। आप सब बहुत एंजॉय करना इसमें, ठीक है। तो हम अभ्यास चालू करें, तो चलो हमारा अभ्यास एक। दिए गए शब्दों के समानार्थक शब्द पर सही का निशान लगाइए, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्द पर हमें ये निशान लगाना है, ठीक है। तो पहला शब्द है हमारा दुनिया। तो समानार्थी शब्द यानी क्या होता है, समान शब्द, जैसे कि दुनिया का दूसरा शब्द। तो दुनिया शब्द है उसका दूसरा यानी समान शब्द कौन सा है इसमें से, जग शहर के नगर। बोलो क्या होता है दूसरा शब्द, यस जग। ये सही है ये तो। और दूसरा है हमारा भाव। तो भाव का दूसरा शब्द क्या है, स्वर भावना की सूरत कौन सा है, यस भावना। ये जीत गए आप। और आगे बढ़ते हैं हम संग। तो संग यानी क्या होता है, दूसरा शब्द क्या है उसका, बोले बोले, संग यानी साथ। शाबाश शाबाश, ये। और रूप, तो रूप का दूसरा शब्द क्या है, देश सूरत के संगी, बोलिए, यस सूरत। रूप यानी हमारा रूप होता है ना वो, शाबाश ये। और हम अब दूसरी एक्सरसाइज पे जाते हैं, आपको मजा आ रहा है ना। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। तो हमें ये नीचे प्रश्न दिया है और उसका हमें आंसर देना है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होता है, इधर भी आंसर इसके दिए है। हमारा पहला सवाल है, कंठ और राग अनेक होने के बाद भी क्या एक है। तो उसके बाद भी क्या एक है, तो उसका आंसर है, कंठ और राग अनेक होने के बाद भी गीत भाव एक है, ठीक है। आज सबको ये अभ्यास अपनी बुक में लिखना हो तो आप वीडियो पॉज करके लिख सकते हो याद करने के लिए, ठीक है। वैसे मैं आपको इसकी पीडीएफ भेजने वाली हूँ। दूसरा है, कविता में किस किस को अनेक बताया है, ठीक है। कविता में किस किस को अनेक बताया है, तो उत्तर देते हैं हम, कविता में कंठ राग स्वर तथा बातों को अनेक बताया है, ठीक है। नेक्स्ट, हमारे दो ही प्रश्न थे और हम आगे बढ़ते हैं हमारा तीसरा अभ्यास, ठीक है। चुनिए और भरिए, ठीक है। ठीक है, हमें सहायक बॉक्स दिया गया है और हमें क्या बताया,
यहाँ से ढूंढकर हमें इधर लिखना है, ठीक है। तो है रंग, तो रंग का उसके जैसा शब्द इसमें से आपको दिखता है कौन सा है, रंग तो संग, यस इधर आएगा रंग तो संग, ये। और दूसरा है यहाँ, यहाँ तो बोलो बोलो कहाँ है इसमें से, यस वहाँ, यहाँ तो वहाँ, शाबाश। गीत, तो गीत का मीत, ये मजा रहा है ना आप सबको, बोलिया तो टोलिया, गुड। और हाउ, हवे अभी तो दो ही बचे हैं, कौन सा होगा, हाउ तो भाव, ये। और लगता, अब तो एक ही है, अब तो अफवाह नहीं है, झगता, हम दूसरा, हम एक्सरसाइज पे जाएंगे, चुनिए और भरिए, मिलन कीजिए, आरंभ, एक वचन और बहुवचन, ठीक है। एक वचन यानी जिसमें एक ही बात की हो, और बहुवचन यानी एक से अधिक की बात की हो, ठीक है, उसको एक वचन यानी एक, बहुवचन यानी एक से अधिक, ठीक है। तो हमें इसमें से ढूंढना है इसमें से एक वचन कौन सा है और बहुवचन कौन सा है, ठीक है। तो चलो हम देखते हैं पहले एक वचन, तो यानी किताब, तो किताब एक है कि दो है कि अनेक है, बोलिए, एक है। तो पहले एक वचन में हमें क्या आएगा, ये किताब, ठीक है, शाबाश, ये। और दूसरा है बोलिया, तो बोलिया एक ही कि अनेक है, बोलो 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 आप, गुड, अनेक है। तो वो किस में आएगी, एक वचन में कि बहुवचन में, वेरी गुड, इधर आएगी बहुवचन में, शाबाश। अब टोली, तो टोली एक की बात की है कि दूसरी अनेक की बात की है, टोली तो एक की बात की है, ठीक है। तो किसमें आएगा, एक वचन में, अब है कविताए, तो कविताए यानी अनेक की बात की है, ठीक है, एक की नहीं अनेक की है, तो वो किसमें आएगा, बहुवचन में, शाबाश। और आगे है बोली, तो बोली एक की बात की है अनेक की नहीं, तो वो ये किसमें आएगा, एक वचन में, शाबाश। और है टोलिया, तो टोलिया अनेक की बात की है एक की नहीं, तो क्या आएगा, बहुवचन में, शाबाश। और है कविता, तो कविता एक है, ठीक है, उसमें कविताएं नहीं लिखा है, कविता यानी एक वचन में, शाबाश। और है किताबे, किताब ने किताबे बोला है, तो क्या आएगा, अनेक है इसलिए किताबे, तो किसमें आएगा, बहुवचन में, ये हमने कर दिया। तो यहाँ हमारा अभ्यास खत्म होता है, और इसकी आंसर की मैं आपको पीडीएफ द्वारा भेज दूंगी, ठीक है। तो आज के वीडियो में यहाँ तक, नेक्स्ट वीडियो में हम सेकेंड लेसन पढ़ेंगे, ठीक है। गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।